एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उसका इंटरनल वैल्यू चाहिए हमें। जैसे कि मैंने बताया कि इस एम्प्लॉई का ये जानना है कि उस बंदे का नाम क्या है, इस कोड वाले का क्या नाम है, तो वहां पर हम वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वर्टिकल डेटा में लेफ्ट मोस्ट कॉलम में दिए गए इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सामने की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी लुकअप का यूज किया जाता है। लेफ्ट मोस्ट कॉलम में दिए गए इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सामने की वैल्यू को फाइंड करने के लिए वी लुकअप यूज किया जाता है। और यही अगर हॉरिजॉन्टल डेटा होता तो एच लुकअप यूज होता, बट वहां भी दोनों का प्रोसेस सेम है। अब यह लिखा है कि किसका वैल्यू खोजना चाहते हैं, तो उसका जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉई कोड हमको पता है, तो उसका मैं कोड लिख देता हूं ये इसका कोड नंबर है, इसका वैल्यू हमें सर्च करना है। करके कौन से टेबल में से सर्च करना है, टेबल तो यही है। और इस टेबल में ये भी चीज जरूरी है ध्यान रखना है कि पहले कॉलम में ही वो कोड होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ से अगर सिलेक्ट करते हैं तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इस कॉलम में तो कोड है ही नहीं। कोड जिस कॉलम में लिखा है वो लेफ्ट मोस्ट टेबल के पार्ट में होना चाहिए। तो पहले कॉलम में ये लिखा हुआ है जिसका हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, टेबल यहाँ से है क्योंकि ये कॉलम में ही होना चाहिए। अगर हम इसके आधार पर करते तो ये होना चाहिए था, पहले कॉलम में सीरियल नंबर के आधार पर करते तो ये होना चाहिए था। अब लिखा है कि आपका जो आंसर है वो कौन से कॉलम में होगा, पहले कॉलम में